नारी नीति बाणी पाठ बाणी संख्या 137 138। मिथ्यारे आउ गोटे जानुआर अच्छी ताहा प्राय छारपक परी सेटी मिथ्या कथा एहा थरे स्पर्श कले जदि टिकिए प्रश्रय पाए झांके झांके बढ़ी जीवो सेते बेले लोके तुम निकट को आसिबाकु मध्य भय पाइबे विश्वास करिबे नाही। चरित्रटी जर्जरित होई कला ज्वरर रोगी परी एकदम सर्वनाश को आलिंगन करिबो। एहार गोटिए उत्तम औषध एपरी कथा अभ्यास करिबा जहां मनीषर कौनसी प्रकारर अमंगल न आनी पारे अहित न घटाई पारे। शेषरे देखिबाकु पाइबो सत्य ही एते अछि जे मनीषर जीवन रे अवस्थार संघातरे मिथ्यारे कौनसी प्रयोजन भी हुए ना। थरे साधी देखो दुष्ट प्रतिभक्ति आउ एक प्रकार सैतानी प्रतिभक्ति अछि। से परिवार रे दियर ननंद जा सासु ससुर इत्यादिंकर दोष गोटाइ नै स्वामींकठारे उक्त करि तांकर शरीर ओ मन को विषाक्त करि संसार रे निया लगाई दिए। किंतु से माने पारंती नाही भलो को गोटेई नै स्वामींकठारे उक्त करिबा को ध्वंस करी जीवन जश वृद्धि को अमृतमय करी तळिबा को ध्वंस को स्वंस करी जीवन जश वृद्धि को अमृतमय करी तळिबा को से माने स्वामी को कहंती जहां सुने बा देखे तुम निकट रे न कही रही पारे ना। तुम निकट रे न कहिबा पर्यंत मन किपरि अशांत होइथाय से माने सबु किछि पारंती देखंती भी दोष भावंती भी दोष कहंती भी दोष पारंती नाही केवल गुणर कथा भाविबाकु गुण को खोजी बाहर करिबाकु गुण को गुणमय करी ढाळिबाकु अन्न निकटरे एहा बड़ भीषण पाप। तुमे एपरि स्वभाव को स्पर्श सुद्धा करना ताहा शरीर रे भी नुहे मनरे भी नुहे। गुण को चिंता कर खोजी गुण को बाहर करिबा को चेष्टा कर दोष दुष्ट ठारु सावधान रही आउ जेते गुण पार गुण को ही समस्तक भितरे खेले दियो। से स्वामी ही हुंतु ससुर सासु ही हुंतु दियर ननंद जा ओ पारिपार्श्विक जेके ही हुंतु देखिबो भगवती परी मंगलदायिनी बोली अविरल धारा रे पूजा तुमको स्पर्श करिबो। बाणी संख्या 138।